काजल। एम सागर, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं पाकिस्तान के फ्यूचर फाइटर जेट्स के बारे में। आज हम सारे वीडियो शायद नेवी के ऊपर करते हैं, मिलिट्री या आर्मी हाँ, और इस पाकिस्तान चीज की पर करेंगे। एयरफोर्स, नेवी, और क्योंकि सजेशन ही ऐसे आए हैं, क्योंकि ऐसा क्यों? आप बहुत ऐसे सजेशन देते हैं, मुझे बहुत सोच में डाल देते हैं। आप अल्लाह की दीजिए, तारिक जमील जी की दीजिए, और ऐसे थोड़े थोड़े दीजिए दीजिए, मतलब थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज हम आपके सजेशन पे ही रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपको बुरा ना लगे इसलिए, क्योंकि हम सजेस्ट कमेंट पढ़ते हैं और रिएक्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान फजाइये की तारीख रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी मुस्तकबिल की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए ही फैसले करती है, और यही वजह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में आज भी F-16 और मिराज तैयारे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो उड़ते हुए इंडियन तबूतों से बेहतर तसव्वुर किए जाते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स में मुल्की साख्ता थंडर तैयारों की भी बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इस हकीकत को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि पाक फजाइया को ट्विन इंजन तैयारों के कम अज कम 2 स्क्वाडन दरकार हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से ट्विन इंजन तैयारे हैं जो मुस्तकबिल में पाक फजाइया में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। JF-17 थंडर की सलाहियतों से इनकार नहीं, लेकिन अगर तो कोई ये समझता है कि JF-17 थंडर Block 3 के बाद पाक फजाइया को किसी दूसरे तैयारे की जरूरत नहीं रहेगी, तो वो गलत है। ज्यादातर दफाई माहरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इन 4 तैयारों में से कोई एक तैयारा पाक फजाइया में शामिल हो सकता है। दोस्तों, इस लिस्ट में 4th नंबर पर चीन का बनाया गया J-16 है। J-16 की नुमाया खसूसियात का जिक्र करें तो ये एक ट्विन इंजन ऑल वेदर मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर जेट है। चीन ने अपने J-11B के एयर फ्रेम में मॉडिफिकेशन के बाद इसे डेवलप किया है। तहम माहरीन का मानना है कि चीन ने SU-30 MKK की बेस पर इस तैयारे को डिजाइन किया है। इस तैयारे के 2 वेरियंट है, J-16 और J-16D। अगर इस तैयारे के इंजन की बात करें तो इसमें चाइनीज साख्ता WS-10B इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट 96 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्न थ्रस्ट 145 किलो न्यूटन है। दोस्तों, ये एक हैवी वेट तैयारा है, इसलिए ये तैयारा 35,000 किलोग्राम का वेट कैरी कर सकता है। स्पीड, रेंज और सर्विस सीलिंग में भी ये तैयारा आज के दौर के तैयारों से बेहतर है। इस तैयारे की मैक्सिमम स्पीड 2.4 में, कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर, जबकि ये तैयारा 66,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत भी रखता है। इसी तरह इसमें PL सीरीज के तमाम मिसाइलों के अलावा मुख्तलिफ किस्म के एंटी रेडिएशन मिसाइल, सैटेलाइट गाइडेड और लेजर गाइडेड बम्बों को भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस लिस्ट में 3rd नंबर पर भी चीन का बनाया हुआ स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे हम J-31 के नाम से जानते हैं। अगर इस तैयारे की नुमाया खसूसियात का जिक्र करें तो ये एक ट्विन इंजन ऑल वेदर स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है। दोस्तों, इस तैयारे में JF-17 थंडर में इस्तेमाल होने वाले इंजन RD-93 का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन माहरीन का मानना है कि चीन इस तैयारे में मुल्की साख्ता WS सीरीज के इंजन इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, इस तैयारे की स्पीड Mach 2, कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर और ये तैयारा 28,000 किलोग्राम के लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इस तैयारे के बारे में चीन की जानिब से ज्यादा मालूमात को शेयर नहीं किया गया। तहम इस तैयारे में भी PL सीरीज के तमाम लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज मिसाइलों को लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस लिस्ट में 2nd नंबर पर रूस का बनाया हुआ MiG-35 तैयारा है। MiG-35 4++ जनरेशन का एक ट्विन इंजन मल्टी रोल तैयारा है। इस तैयारे में RD-33 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट 53 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्न थ्रस्ट 88.3 किलो न्यूटन है। इस तैयारे का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम, मैक्सिमम स्पीड Mach 2.2, कॉम्बैट रेंज 1000 किलोमीटर, जबकि ये तैयारा 52,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास कर सकता है। दोस्तों, इस तैयारे में लगे ऑर्नामेंट्स की बात करें तो इस तैयारे में दौरे हाजिर के जदीद तरीन रूसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, पहले नंबर पर रूस का बनाया हुआ एक
ऐसा शाहकार है जो पाकिस्तान एयरफोर्स की पहली तरजीह है। दोस्तों SU-35 एक ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सिक्योरिटी फाइटर जेट है। पावर प्लांट की बात करें तो इसमें सैटर्न AL-41 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट 86.3 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्न थ्रस्ट 142 किलो न्यूटन है। इस तरह की मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर फी घंटा, कॉम्बैट रेंज 1600 किलोमीटर, मैक्सिमम टेकऑफ वेट 24,500 किलोग्राम और ये 13,59,000 फीट की बुलंदी पर प्रवास करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों रूसी साख्ता SU-35 का शुमार दुनिया के जदीद तरीन तैयारों में किया जाता है और इस तैयारी में दुनिया के एडवांस तरीन मिसाइलों को लगाया गया है। वीडियो के आखिर में इंडियन दोस्तों के गोश गुजार करता चलूं कि ढिंढोरा पीटना हमारी फितरत में शामिल नहीं है। यूं तो मौजूदा वक्त में भी पाकिस्तान फजाइया इंडियन फटीचर फजाइया से 10 times एडवांस है, लेकिन आज नहीं तो कल इन चारों तैयारों में से एक तैयारा पाक फजाइया का हिस्सा होगा। दोस्तों वीडियो के मुतालिक कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर किया करें। वीडियो अच्छी लगे आपको हमें ऐसे सजेस्ट करते हैं जैसे आपका बहुत अच्छा है और हमारा ये मत कीजिए, क्योंकि हम इससे मानते भी नहीं है और हम इसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते कि कौन आगे है कौन पीछे है। जो इंसान अच्छा है वही आगे है, ये हमारा मानना है। और ये एक ताकत के जोर पर कोई आगे गया तो ये मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है ना आप ऐसी वीडियो हमें सजेस्ट मत कीजिए। और आपको लगता है सजेशन हमको देना नहीं चाहिए था, पर नहीं बार बार आते हैं कमेंट्स उसी लिंक पे सजेस्ट दिया किया जाता है। पहले देखा होता तो नहीं किया होता तो, लेकिन करना पड़ा क्योंकि आपका मैंने पहले देखा ही नहीं यार वीडियो। आपको भी बता दे कि ऐसे मत कीजिए सजेस्ट कि ये आगे है यार हम पीछे है और क्या ऐसा, मुझे अच्छा नहीं लगता। और हाँ ये तो फ्यूचर में है ना, और फ्यूचर में तो सिर्फ ऑफेंस में डिफेंस में ही रहना चाहिए, हर किसी कंट्री को ऑफेंस में नहीं जाना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम डिफेंस में रहेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि पीस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कंट्रीज। और अच्छी बात है कि पाकिस्तान बहुत अच्छे अच्छे प्लेन्स ले रहा है, पर हमें भी खुशी है और आपको भी अपने देश से प्यार है, हमें भी अपने देश से प्यार है। और ऐसा नहीं है ना कि कोई देश अगर उसके पास उड़ते हुए पंख ज़्यादा हो तो आगे, पंख मतलब क्या है विमान, वो फाइटर जेट्स वो ज़्यादा होते हैं तो आगे है, ऐसा नहीं है। जो सबकी मदद करता है वही आगे है। चाइना तो सबसे आगे है, लेकिन इतना बड़ा कोरोना लेकर आया तो अल्लाह तो उसे माफ़ नहीं करेगा ना आपका, हमारे भगवान भी नहीं करेंगे ना। तो ऐसा होता है, आप इस पर जोर दीजिए ना कि इस ऐसी चीज़ों पर। तो वीडियो बहुत अच्छा था। हाँ, वीडियो बहुत अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव था, इन्फॉर्मेटिव था, हमें भी पता चला। और आगे से हमें लगता है हमें थोड़े वीडियो देखना चाहिए पहले। हाँ, पहले मैं देखूंगी आपको क्या दे जाए तो अगर गलत हुआ तो हम नहीं करेंगे क्योंकि हम ऐसे वीडियो करते नहीं। तो वीडियो बहुत अच्छा था, अगर वीडियो मिलते